દાહોદમાં નકલી શેમ્પુ બનાવીને વેચવાનું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. નામાંકિત કંપનીઓના નકલી શેમ્પુ બનાવવાનું કૌભાંડ. નામાંકિત કંપનીઓની ખાલી બોટલમાં આ શેમ્પુ ભરવામાં આવતું હતું. દાહોદના એક મકાનમાંથી નકલી શેમ્પુની ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે. 2.20 લાખના મુદ્દામાલ સાથે 8 જેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. નકલી શેમ્પુ બનાવવામાં આવતું હતું અને આ કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. वो आगरा से आए हुए हैं, तो वो यहाँ पे आके ना अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल कर रहे थे. वो खाली डब्बे लेके उसमें अपना डुप्लीकेट शैम्पू उसमें बना के कुछ केमिकल डाल के और कुछ नमक वमक डाल के उसको मिला के उसको उसमें भर के और मार्केट में सेल कर रहे थे. ये कोई कंपनी का बंदा नहीं है इसमें, कोई भी कंपनी के बंदे नहीं है इसमें. अभी इनको हो गया, अभी के 1.5-2 महीने हो गए इनको यहाँ. अगर ये ले रहे हैं ना, जितना सस्ता दे रहे हैं ये लोग इसका प्रोडक्ट की, आप ओरिजिनल सेल ओरिजिनल प्राइस लोगे तो किसी की है 1000 रुपये, ये इसको 100 रुपये में सेल करते हैं. किसी की है 300 रुपये, 350, 400 रुपये, 50-50 रुपये, 30-30 रुपये में सेल कर देते हैं.